शंकर जी महाराज की, श्रुत पंचमी महापर्व की। देखिए आज का दिन बहुत ही महान दिन है, आप सभी जानते हैं कौन सा दिन है आज, श्रुत पंचमी। इस श्रुत पंचमी जो है साल भर में एक ही दिन आती है, वैसे तो पंचमी बहुत दिन आती हैं, हर महीने में दो बार पंचमी आती है ना, किंतु श्रुत पंचमी का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है। आप वर्षों से सुनते आ रहे होंगे इसके महत्व को कि श्रुत पंचमी को अपन विशेष पर्व के रूप में क्यों मनाते हैं, क्योंकि आज का दिन वह दिन है जो भगवान महावीर स्वामी के केवल ज्ञान होने के बाद जो उनकी दिव्य ध्वनि खिरी और उस दिव्य ध्वनि के माध्यम से धर्म की प्रभावना हुई और उस दिव्य ध्वनि को सुनकर के जो गणधर परमेष्ठी ने, गौतम गणधर परमेष्ठी ने द्वादशांगमय रचना की, मतलब जो उनकी भगवान की दिव्य ध्वनि थी, उसके बाद गौतम गणधर स्वामी के बाद सुधर्माचार्य जी केवली हुए, अनुबद्ध केवली जिसको बोलते हैं, फिर जम्मू स्वामी जी हुए, तो कहते हैं लगातार ये केवली परंपरा चली। उसके बाद फिर श्रुत को धारण करने वाले बहुत से आचार्य हुए, किंतु कहते धीरे धीरे एक कली काल है, पंचम काल है, पहले ऐसे हुआ करता था कि एक आचार्य भगवान अपने शिष्यों को ऐसे उद्बोधन दिया करते थे, सामान्य से उद्बोधन देते थे, शास्त्र नहीं होते थे, किंतु धीरे धीरे जब ज्ञान का क्षोभसम कम होने लगा तो आप सभी को मालूम होगा शायद कि वह धर्मसेनाचार्य आचार्य महाराज जो है महान आचार्य थे और गिरनार की उस चंद्र गुफा में विराजमान थे, और उनके लिए अचानक ही उन्होंने अपने निमित्त ज्ञान कि आगे आगे और ये श्रुत का क्षोभसम कम होता जाएगा। तो आज का ही यह महान दिन था, मैं बहुत विस्तार से आपको कुछ सुना नहीं रहा हूँ क्योंकि अधिक समय भी नहीं है, कई बार आप लोग सुन भी चुके हैं इस घटना के बारे में, और अभी अभी पूज्य मुनिवर वीर सागर जी महाराज ने आपको सुना भी दिया है बहुत कुछ, इसलिए मैं नहीं सुना रहा हूँ, बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि आज का ही वह महान दिन है कि जिन आचार्य धर्मसेनाचार्य जी महाराज ने जो अपने दो शिष्यों को बुला करके और बाद में उनका नाम पुष्पदंत और भूतबलि जी रखा था, क्योंकि उन्होंने जो उनके लिए पढ़ाया था और उस ज्ञान के माध्यम से उन्होंने जो प्राप्त किया था और उसके माध्यम से आज के दिन ही उन्होंने वह षटखंडागम महान ग्रंथ को रचा था और देवताओं ने आकर के उसकी पूजा की थी। तो आज का दिन इतना महान दिन है कि अपन सबके लिए, जो हम लोग भी मुनि महाराज भी आपके लिए कुछ ज्ञान की बातें बतला रहे हैं, आचार्य भगवंत बताते हैं, वह सब आज के दिन हमें उन आचार्य प्रबल पुष्पदंतो भूतबलि महाराज के माध्यम से प्राप्त हुआ था। एक बहुत महान ग्रंथ है षटखंडागम ग्रंथ, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज ने 16 पुस्तक हैं, टीका जो लिखी है आचार्य वीरसेन स्वामी जी ने बाद में, उन्होंने तो सूत्र रूप में लिखा था, तो उनका सब अध्ययन किया है, हम लोगों को भी अध्ययन कराया है, उसी धवला महाधवल टीका में आया है कि स्थापना निक्षेप के माध्यम से भी जो हम भगवान को विराजमान करते हैं इसकी भी बहुत बड़ी महत्ता होती है। यूँ नहीं समझना चाहिए कभी भी आप लोगों के लिए कि तो पाषाण के भगवान हैं, नहीं, स्थापना निक्षेप के माध्यम से बहुत बड़ी जब प्रतिष्ठा होती है तो पूरे के पूरे गुण वह इन्हें पाषाण के बिंबों में, धातु के बिंबों में, रत्नों के बिंबों में, स्वर्ण चांदी के बिंबों में भर दिए जाते हैं, तो ये साक्षात अनंत भगवान ही हैं। इस तरीके से श्रुत पंचमी का आज महान दिन है, और इसे देखो द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये अपने आप में एक अनूठे होते हैं, इनके माध्यम से हमें विशेष विशेष इसका फल भी मिला करता है। तो आज ऐसा काल है देखो कि जिस काल में उन आचार्य प्रवर ने उस महान ग्रंथ को लिखा होगा, जिसकी अनेक अनेक देवी देवताओं ने भी आकर के पूजा की थी, और उसी ग्रंथ के माध्यम से, उस षटखंडागम महाग्रंथ के माध्यम से आज इस श्रुत की परंपरा आगे बढ़ रही है। बहुत महान ग्रंथ है, आचार्य भगवान जब हम लोगों को पढ़ाते थे तो
जब हमारी दीक्षा हुई थी, हमें खुद समझ में नहीं आता था क्या है उसमें, क्या लिखा है। हम लोग नए नए मुनि महाराज थे, किंतु आचार्य भगवान ने तो उसको बिल्कुल अपने कण कण में, रग रग में बिठाया है। कई बार आचार्य भगवान ने उसकी वाचनाएँ की हैं, षटखंडागम ग्रंथ की, धवल महाधवल ग्रंथ की 16 पुस्तक हैं। तो उन ग्रंथों का अपन को सौभाग्य प्राप्त है कि उन आचार्य भगवंतों ने लिखा। प्रारंभिक अवस्था में तो ताड़पत्रों पर लिपिबद्ध किया गया था, किंतु बाद में वह आज दिन तक भी सुरक्षित हैं। आज वर्तमान में तो अपना ऐसा सौभाग्य है कि आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज की प्रेरणा से और भी आचार्य भगवंतों की प्रेरणा से आज वह षटखंडागम ग्रंथ ताम्रपत्र पर लिखा जा चुका है। अब वो हजारों हजारों वर्षों के लिए सुरक्षित हो गया है, पंचम काल के अंत तक भी वह ग्रंथ बना रहेगा। तो आज सबको यही भावना बहना चाहिए कि ये जो आगम वर्तमान में है, अभी उपलब्ध है, इसका हम अध्ययन करें, इसकी सुरक्षा करें। क्योंकि कुछ समय ऐसा रहा जब विदेशी लोगों का आक्रमण रहा, सुनते हैं कि बड़े बड़े जहाज भर कर के यहाँ से आगम के गए हैं, शास्त्रों के भर के गए हैं, इंग्लैंड अमेरिका वगैरह सब जगह बड़ी बड़ी लाइब्रेरी वगैरह में रखे हुए हैं अपने जैन शास्त्र, और उन्हीं के माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी खोज भी कर रहे हैं वैज्ञानिक लोग, क्योंकि भगवान की दिव्य ध्वनि में सब कुछ आया था। ज्योतिष क्या है, वैदिक क्या है, तंत्र मंत्र क्या है, सब कुछ था। यानी 12 अंगों में कुछ भी बाकी नहीं बचता है, किंतु वो आज वर्तमान में कुछ भी नहीं है। कहते हैं कोई विरोधी लोगों ने और दूसरे लोगों ने 6-6 महीने तक अपने शास्त्रों की होली जलाई है। हाँ, ऐसा समय भी रहा जब कुछ विरोधी लोग रहे, जैन धर्म के ऐसे राजा हुए हैं बहुत सारे कि जिन्होंने देखा कि जैन धर्म का तो बहुत प्रभुत्व है। आप अपन देखते भी हैं जगह जगह, जहाँ भी देखो ये जैसे भगवान प्रकट हुए, ऐसी जगह जगह आप पूरे भारत में कहीं भी खुदाई होती है तो जैन प्रतिमाएँ ही निकलती हैं। ये जैन धर्म का वैभव है। तो ऐसे 6-6 महीने तक शास्त्रों की होलियां जलाई गई हैं कि इस जैन धर्म को खत्म किया जा सके। जब कोई शास्त्री नहीं रहेंगे तो इसका फिर इतिहास मिलेगा कहाँ से। तो किंतु आज वर्तमान में भी अपना सौभाग्य है कि अपन को शास्त्र भी अपन को मिल रहे हैं, उनका अध्ययन भी अपन कर रहे हैं, और ये साक्षात भगवानों की प्रतिमाएँ भी इस जिनबे में भी जहाँ खोजो वहीं मिलते हैं। इससे अपन को मालूम पड़ता है कि जैन धर्म कितना प्राचीन है और कितना महान है। तो आज आप सभी से ये कहना चाहेंगे कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, मतलब ऐसे मांगलिक दिन में अपन भगवान का अभिषेक करें, भगवान की शांति धारा करें, उन जिनवाणी की पूजन करें। ये अपना बहुत बड़ा सौभाग्य है। और आज शांति धारा का अवसर हमारे एक तो दिल्ली से आए हुए श्रेष्ठी श्रीमान सुधांशु जी धनपाल जी जैन बड़ोत, वर्तमान में सूरजमंद बिहार दिल्ली, इन्होंने कोरोना के समय में आए थे और बहुत मंगल भावना भाई थी कि महाराज ये पांडुक सेवा मुझे अच्छी नहीं लग रही है, भगवान का वैभव तो बहुत बड़ा होता है, मुझे एक बहुत सुंदर पांडुक सेवा बनवाना है। उन्होंने भावना भाई थी और उसी दिन घोषणा की थी, महाराज जब वातावरण अच्छा हो जाएगा 9 प्रतिमाओं की घोषणा भी इन्होंने की थी कि अब हमारे परिवार में 9 सदस्य हैं तो एक एक सदस्य की तरफ से एक प्रतिमा विराजमान यहाँ पर होना चाहिए। और कलश कहाँ है भाई, कोई बात नहीं रहने दो, सुनो। हाँ, कुछ दिन पहले हमारे दिल्ली के ही श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान अजय जी जैन, मनोज जैन ऋषभ बिहार दिल्ली, और सुधांशु भाई भी थे और हमारे अतुल भाई ऋषभ बिहार दिल्ली से थे, इन्होंने मैंने प्रेरणा दी थी कि भैया भगवान का अभिषेक तो बड़े बड़े स्वर्ण कलशों से होता है जिसकी अपन कल्पना ही नहीं कर सकते, स्वधर्म जो करता है, किंतु बहुत एक मांगलिक स्वर्ण कलश उन्होंने आकर के यहाँ पर उपस्थिति ही किया है कि महाराज भगवान का अभिषेक यहाँ पर स्वर्ण कलश से हो। उस समय दो कलश तो थे, यानी कि 2 कलश और नहीं है, 4 कलश हो जाएं तो बहुत अच्छी भावना है। देखो, प्रभु के चरणों में जो भी आप समर्पित कर दो, ध्यान रखना वही आपका है, क्योंकि बाकी जो वैभव है ना कुछ आप लेकर के आए थे। ध्यान रखना जिस दिन जाओगे उस दिन एक सुई की नोक बराबर भी लेकर के कुछ आप जा नहीं सकते। तो ऐसे अवसर आपके लिए प्राप्त हुआ है। आज शुंत पंचमी का महापर्व है, और कोई व्यक्ति भी जिनकी भावना हो वह शांति धारा कर सकते हैं और अपना सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। शांति धारा प्रारंभ अपन करते हैं,
संक्षिप्त में इस शुद्ध पंचमी महापर्व की विशेषता को आप समझते हुए मन बनाएं कि कहीं पर भी यदि शास्त्र कोई जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं मंदिर में, तो उनका पुनः जीर्णोद्धार करें, उनकी सुरक्षा करें और जिनवाणी ये हमेशा मतलब पंचम काल के अंत तक सुरक्षित रहे। क्योंकि जिनवाणी नहीं रहेगी, ध्यान रखना, तो ना हम मुनि महाराज कुछ पढ़ सकते हैं, ना कोई आचार्य महाराज पढ़ सकते हैं, ना हम आपको कुछ बता सकते हैं। क्योंकि आज अवधि ज्ञान तो है नहीं, मनापर्य ज्ञान है नहीं, केवल ज्ञान तो है ही नहीं, तो अपने आप में आत्मा से ज्ञान ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इन शास्त्रों के माध्यम से ही वर्तमान में ज्ञान हुआ करता है। और कहा है आचार्य भगवान कुंद कुंद देव ने, आगम चक्षु साहु। हम मुनि महाराजों का यदि कोई चक्षु है, नेत्र है, तो ये आगम है, इसके माध्यम से हम अपनी चर्या कर सकते हैं। और आप गृहस्थों के लिए भी इसी के माध्यम से बता सकते हैं कि यह धर्म क्या है। बोलिए, संत श्रोवणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी की। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं बं मं हं सं तं पं बं बं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं ज्वीं ज्वीं छ्वीं छ्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै नमो रते भगवते श्रीमते पवित्रतर्जनेन जिन्व विशेष्यामिति स्वाहा। श्रीं क्लीं ऐं अर्हं बं मं हं सं तं पं बं बं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झ्वीं झ्वीं छ्वीं छ्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै नमो रते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रौं श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान धनपाल जी जैन, सुधांशु जैन, बंदूक वाला परिवार बड़ौत निवासना, श्रीमान अजय जैन, पायल जैन सा परिवार रिशभ्या दिल्ली, श्री अमित जैन सा परिवार खेकड़ा, श्री योगेश कुमार मोहित जैन श्रीनगर गाजियाबाद, श्री अतुल जैन सा परिवार रिशभ्या दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती पूनम जैन ब्रज विहार श्रीनगर निवासना, श्रीमती प्रीति जैन सपरिवार कृष्णा नगर, श्री अंकित जैन आकांक्षी परी अग्रिम जैन सहारनपुर समस्त परिवार, श्री महेंद्र जैन, श्रीमती इंदिरा जैन, सुशील जैन, सुशील रीना ऋषभ मनीषा अक्षय सुति प्रतिभा बड़ागांव गाजियाबाद समस्त परिवार, श्री नारायण साय के पुत्र श्री जहारियामल जैन बड़ागांव समस्त परिवार, श्री विजय पाल जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती उर्मिला जैन, पंकज, रश्मि, अरुण, पूजा, भावना, नितिन, दीपांशी आदि, रिद्धि ऋषभ षष्ठी, श्री रामनगर साहिदरा दिल्ली, श्री विकास गोदा सपरिवार गुवाहाटी आसाम, श्री अरुण कुमार, श्रीमती सिमी जैन दरियागंज दिल्ली, श्री सुकुमार चंद नीलज जैन लखनऊ, श्री अशोक जैन कपिल जैन सपरिवार, श्री स्वर्गीय श्रीमती आशा जैन की पुण्य स्मृति में प्रशांत विहार दिल्ली, निशा जैन सपरिवार दिल्ली, मास्टर अर्णव जैन पुत्र सुनील कुमार जैन मित्री जैन जन्मदिन के विशेष उपलक्ष्य में अहमदाबाद, श्री विशाल गोदा सपरिवार दीपू गुवाहाटी आसाम, विनोद कुमार जैन, श्रीमती सविता जैन, वैभव सुमन, सौरभ, नेहा, दिव्या, अनायसा बनारस उत्तर प्रदेश, रूपवती देवी जैन पत्नी स्वर्गीय श्री राजकमल जैन लाखना वाले, कमलकांत, सुनील कुमार, सुक्रत, पल्लवी, अभिषेक, कृति, कृषा, दयानंद कॉलोनी जयपुर, श्री विनोद कुमार जैन पत्नी वीणा जैन, विपुल जैन, शिखा जैन, तबेश जैन के जन्मदिन के विशेष उपलक्ष्य में लक्ष्मीनगर दिल्ली, पवन कुमार, अभय कुमार जैन नारायण विहार दिल्ली, रमेश चंद, सतीश कुमार जोला परिवार कृष्णानगर दिल्ली, श्री पुष्पेंद्र कुमार सरोज जैन, पंकज जोड़ी तनया काव्य के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शालीमार बाग दिल्ली, आयुष जैन, अरुण जैन, श्री आलोक जैन, श्रीमती स्वीटी जैन इंदिरा इंक्रे पीलागढ़ी दिल्ली, श्रीमती शालिनी जैन, श्री अमित जैन सा परिवार जैन मिलन मुजफ्फरनगर, श्री योगेंद्र जैन सा परिवार बहादुरगढ़ हरियाणा, श्री अनिल कुमार, सुमनलता जैन, निखिल कुमार जैन चनौसी जिला संभल, श्री संजय जैन, श्रीमती रेणु जैन, नितिन सानू सूरजमल विहार दिल्ली समस्त परिवार, श्री विजेंद्र कुमार जैन, श्री शीतल प्रसाद जी जैन बसी वाले गुड़गांव, विशेष विशेष स्वाद लवार्थम प्रतिमा दातार, श्री संजय जैन, अनिता जैन पुत्र व पुत्रवधु, श्रीमती ब्रजबाला जैन, जनेश्वर दास जैन, सार्थक जैन, मान्य जैन प्रेमपुरी मुजफ्फरनगर, श्री राजेंद्र कुमार, सुनील जैन, यश जैन, कुसुमबाई, अर्चना, आकृति जैन, अशोक विहार दिल्ली समस्त परिवार, सर्वेशा उपस्थित भव्य जनानां पापम खंडय खंडय, जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय, ओम नमो अरहम झम झ्वीं छ्वीं हम सम झम बम ह्रायः सः छाम छीं छूं छीं छैं छोम छौम छम छः छ्वीं ह्राम ह्रीं रूं ह्रीं ह्रैं ह्रौं ह्रौं ह्रम ह्रा द्राम दीं द्रावै द्यावै नमो देवते श्रीमते ठाठा। सर्वेषां सान्ध्यकर्तॄणां सर्वेषां प्रतिमादातार सर्वेषां पदभवजनानां।
तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु श्रीरस्तु स्वाहा एवं सर्वेषां कार्य सिद्ध्यर्थं कोरोना महामारी संपूर्ण विश्व से शांत्यर्थं श्रीमद् भगवत अर्हत सर्वक परमेश्वरी परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात सद्धर्म श्री बलायु आरोग ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म प्रसिद्ध भर्गा प्रसिद्धंतु न ओम विश्वादया श्रीवर्तमान पर्यंता चतुर्विंशति अरंतु भगवंता सर्वज्ञा परम मंगल नाम देया सर्वे स्वरते भगवते श्रीमते श्रीमत् पार्षति शंकराय श्रीमत् रत्नते रूपाय दिव्य तेजो मूर्ताय प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समाक्षण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टाद दोष रहिताय षट चत्वारिंद गुण संयुक्ताय परमेश्वर पवित्राय सौम्य ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महिताय अनंत संसार चक्र प्रमदनाय अनंत ज्ञान दशमी सुखापदाय त्रैलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे ब्रतपणा मंडल मंडिताय ऋषियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंग सर्वनाशनाय घातिकम शंकराय अजराय अभवाय संत श्रोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज विशेष विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम संगत सभी मुनि आरिका श्री नेवावरी सिद्ध क्षेत्र में होने वाला पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव सानिंद सातिशय प्रभावना के साथ संपन्नार्थम सर्वेशा उपदभवजनानाम सर्वेशा शांतिदाकृतीनाम सर्वेशा प्रतिमादाता सर्वेशा उपदभवजनानाम व्याधिं गिनन्तु। श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसाद सर्वेशा सेविका नाम सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतो ओम नमो रते भगवते प्रक्षीणा से दोष कर्मसाय निभे तेजो मूर्ताय नमस्ते शांति नाथाय शांति कराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगापनत्व विनाशनाय सर्व पर्क शुद्ध उपद्रव विनाशनाय सर्वार्य शांति कराय ओम ह्राम ह्रीं रूम रोम रास्यौषा नमः सर्वेषां सर्वघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा सर्वेषां कामं चिञ्चिन्नुविने रति कामं चिञ्चिन्नुविने बली कामं चिञ्चिन्नुविने कोपं पापं वैरं च चिञ्चिन्नुविने अग्नि वायु भयं चिञ्चिन्नुविने सर्व शत्रु विघ्नं चिञ्चिन्नुविने सर्व उपसर्गं चिञ्चिन्नुविने सर्व विघ्नं चिञ्चिन्नुविने सर्व राज्य भयं चिञ्चिन्नुविने सर्व चोर दुष्ट भयं चिञ्चिन्नुविने सर्व सर्वृश्चिक सिंहादि भयं चिञ्चिन्नुविने सर्व ग्रह भयं चिञ्चिन्नुविने सर्व दोषं व्याधिं डामरं च चिञ्चिन्नुविने सर्व परमंत्रं चिञ्चिन्नुविने सर्वाद घातम प्रघातम च चिञ्चिन्नुविने सर्व सुरोगम कुक्षिरोगम अक्षिरोगम सुरोगम जरोगम च चिञ्चिन्नुविने सर्व क्रूर वितासाकिं डाग्निमयानि चिञ्चिन्नुविने सर्व वेदनीयम चिञ्चिन्नुविने सर्व मोहिनीयम चिञ्चिन्नुविने सर्व अपस्मारिम चिञ्चिन्नुविने सर्व अशुभ कर्मजनि दुःखानि चिञ्चिन्नुविने दुष्ट जन कृतान् मन्त तन् दृष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान् चिञ्चिन्नुविने सर्व दुष्ट देव दानव भी नन्ना संयोगनि कर दोषान् चिञ्चिन्नुविने सर्वाज कुलिनाग्नि दिस्भयानि चिञ्चिन्नुविने स्थावर जंगम भ्रष्ट सर्पादि कर दोषान् चिञ्चिन्नुविने सर्व सिंह अष्टापदादि कर दोषान् चिञ्चिन्नुविने परिषत्तु कृत मारण उच्चाटन विवेचन मोहन वशीकरणादि दोषान् ओम रीम सर्वेषां चक्रवक्रम सत्य तेजो बल सौर वीर शांति करो करो सर्व जीवानंदनम करो करो जनानंदनम करो करो अभ्यानंदनम करो करो गोकुलानंदनम करो करो राजानंदनम करो करो सर्व ग्राम नगर खेत करवट मंटप पत्तन दोनों सम्मानंदनम करो करो सर्वानंदनम करो करो यस्य कंतसु लोकेषु व्याधिर व्यसन भजतम अभयम् चैव मारोगम सत्य सुविदिते शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयस्तु सदास्तु मारोगमस्तु सदास्तु सर्वेषां शांतिरकर्तृणां सर्वेषां उपदभवजनानां तुष्टिरस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु हैरस्तु सदास्तु कुलबोधनानि सदा सन्तु सदास्तु धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहमस्या उषा अनाहत विद्याय नमो रंतारम राम सत्सांतिम गुरु गुरु स्वाहा ओम रीम श्रीम क्लीम ऐं अरमस्या उषा अनाहत विद्याय नमो रंतारम राम सत्सांतिम गुरु गुरु स्वाहा रागे द्वासु नलपम नीरम वीरम शरीरम निरुपमोपने त्वातनो त्वच्छ कीर्तिम सिद्धिम रिद्धिम समृद्धिम प्रतिद्वर्णि सूर्य दुच्चय प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम विद्वत जगता मुत्तेमा शांति धारा पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रसामान्यतपोनदानां देशस्थिरासस्य पुरस्थिराज्ञः करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्रः
करोति शांति भगवान जिने तो। बोले शांतिनाथ भगवान की जय।